हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। हमने सारे एलिमेंट्स पढ़े। लास्ट में हमने बात की थी ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस। तो वहाँ हमने दो बात की थी कि कंडीशन फर्स्ट, जहाँ पर एक कायरल सेंटर हो तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सेकेंड, हमने बात की थी अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स हो जाएँ तब हम देखेंगे कि वहाँ पर COS और POS तो प्रेजेंट नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हैं, COS और POS दोनों प्रेजेंट हैं, अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो हमने बात की थी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। कोई एक भी प्रेजेंट होगा तो भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स हों और COS और POS दोनों नहीं हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। समझ में आती बात? तो वहीं पर मैंने आपके एग्जाम्पल करवाया था जहाँ पर दो कायरल सेंटर्स थे और बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही थी। तो मैंने कहा था कि ये कायरल सेंटर तो दो हैं लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और उसे मैंने एक नाम लिखा दिया था, मिजो कंपाउंड। याद है सभी को? तो वही हेडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं, मिजो कंपाउंड। हेडिंग लिखेंगे मिजो कंपाउंड, डेफिनेशन लिखेंगे क्या बोल रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर्स विद सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से? हमने जो बात की थी लिख देना जल्दी से यहां पर, सिमेट्री एलिमेंट्स में ब्रैकेट में लिख देना POS COS। होने में तो AOS भी होता है लेकिन अपन उसकी बात नहीं करेंगे अभी, अपन सिंपल POS और COS लेके चलेंगे। समझ में आ रही है? वो तो चार एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए लेकिन हम जो देखेंगे केवल POS और COS देखेंगे। लिख देना ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर है विद सिमेट्री एलिमेंट्स POS एंड COS इज नोन एज मिजो कंपाउंड। दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो रहा ना तो भी अपन उसे मिजो बोल देंगे। आगे लिखेंगे मिरर इमेज ऑफ मिजो कंपाउंड रिप्रेजेंट्स इट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ध्यान से समझना, अगर कोई एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो वो मिजो कंपाउंड है। उसका तो मिरर इमेज बना दोगे तो मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। और ध्यान देना, मिरर इमेज और वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट है उसका मिरर इमेज बना, वो दोनों आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। वो इंपॉर्टेंट चीज है ये। मिरर इमेज ऑफ मिजो कंपाउंड इज रिप्रेजेंट्स इट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ध्यान देना, आगे बात करते हैं। आगे बोल रहे हैं मिजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोल रहे हैं? मिजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो फाइव स्टार वाला लाइन है, फाइव स्टार होनी चाहिए इस लाइन को। जो जनरली मैं थ्री स्टार लगाता हूँ लेकिन इस लाइन को मैं फाइव स्टार लगा रहा हूँ तो कुछ तो बात है। क्या बोल रहे हैं? मिजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है समझना, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया कोई भी एक मिजो कंपाउंड का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एक जनरल ले लेता हूं COH COH, इधर OH OH, इधर भी H इधर भी H, इसे बोला जाता है टार्टरिक एसिड। नाम भी लिखो तो चाहो लिख देना, इसे बोला जाता है टार्टरिक एसिड। अभी ध्यान से समझना, ये तो चलो नाम है। इसमें इस कंपाउंड में हम देखेंगे एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं। कायरल सेंटर्स कौन कौन से हैं? सर एक कायरल सेंटर तो ये रहा और दूसरा कायरल सेंटर ये रहा, ये दो कायरल सेंटर यहां पर हैं। अगर मोर देन वन कायरल सेंटर है तो हमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इस फिशर प्रोजेक्शन को देख के सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे सो हॉर्स में या न्यूमैन किसी में बदलना पड़ेगा। अभी इसको देख के मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मैं बता पाऊंगा, और मुझे दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दिख गई। ये क्या है मेरे पास? POS है, ये मेरे पास POS प्रेजेंट है। तो मैं बोल दूंगा एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, POS प्रेजेंट है, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड हमारे पास मिजो है, ये मिजो कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? अब ये नाम तो मैंने दे दिया कि ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जिसमें जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हो है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो वो भी है, तो ये मिजो कंपाउंड हो गया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ये मिजो कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है, ये इसमें कायरल सेंटर तो है फिर ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों शो कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें इसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। समझना, इसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर
नंबरिंग दे देता हूं सबसे पहले। अगर मैं इस क्रायरल सेंटर की बात करता हूं तो इसके लिए सबसे पहले नंबर वन हो जाएगा ऑक्सीजन, ध्यान देना ये जो ऑक्सीजन है इसे वन दे देंगे। फिर इधर देखो इस कार्बन के पास इधर गए तो सी, नीचे भी गए तो सी, इधर गए तो दो ऑक्सीजन, इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी टू और नीचे वाले की प्रायोरिटी थ्री, समझ में आता है। अब इसमें अगर रोटेशन की मैं बात करता हूं तो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, ये कैसे जाएगा सर, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है और हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मुझे बताओ हमारी जो ट्रिक थी वो थी वी सी आर और एच सी एस, तो अभी मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये एस था क्लॉकवाइज पे तो यहां आ जाएगा आर, समझ में आता है, ये आ जाएगा आर। मतलब जो ऊपर वाला आधा पार्ट है मॉलिक्यूल का उसका जो कॉन्फिगरेशन है एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो आर है। अरे बात समझ में, नीचे वाले एटम्स का अरेंजमेंट देखते हैं, नीचे वाले का अरेंजमेंट देखते हैं एक बार। अगर मैं कोई दूसरा कलर लेके चलता हूँ, ये वाला कलर मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना अगर नीचे वाले की मैं बात करता हूँ तो यहाँ वन, यहाँ टू और ऊपर वाले के लिए थ्री, ये फोर्थ, ऐसा है। तो यहाँ कैसे जाएंगे सर, यहाँ जाएंगे हम इस तरीके से, ध्यान देना यहाँ हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ध्यान दो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा एस, समझ में आता है। अभी ध्यान से समझना, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में आधा पार्ट जो है वो आर तरीके से अरेंज्ड है, दूसरा पार्ट जो है एस तरीके से अरेंज्ड है, और हम जानते हैं कि ये बीच में प्लेन मान लो मिरर है एक तरीके से, तो ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे वाला बना रहा है, क्योंकि आर है तो आर का मिरर इमेज ही एस बना रहा है, समझ में आता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो आर होता है उसका मिरर इमेज एस होता है, और अगर आर प्लस होगा मतलब क्लॉकवाइज अगर रोटेशन दे रहा होगा पीपीएल को तो उसका मिरर इमेज जो एस बनेगा वो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर आर डेस्ट्रो रोटेटरी होगा तो एस जो है डेफिनेटली लीवो रोटेटरी होगा, समझ में आता है। अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं सर, ये जो पूरा कंपाउंड है इसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर पे जो अरेंजमेंट है वो आर है, दूसरे पे एस है, और ये चूंकि पूरा प्लेनो सिमेट्री की वजह से ऊपर वाला का मिरर इमेज नीचे वाला बना रहा है एक ही कंपाउंड में, क्या बोल देंगे सर, इस कंपाउंड का आधा पार्ट तो पीपीएल को एक तरफ, जैसे मान लो ये वाला मैं बोल दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, डायरेक्टली देख के नहीं बोल पाएंगे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं एग्जूम करके चल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है पीपीएल को क्लॉकवाइज में रोटेशन देगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन देगा, और दोनों पार्ट आइडेंटिकल है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिरर इमेज है एक दूसरे के, तो ये बराबर तरीके से, जैसे मान लो अगर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये 60 डिग्री से क्लॉकवाइज में घुमाता है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब माइनस के साथ में बता रहा हूँ, ये प्लस के साथ में 60 डिग्री रोटेशन देगा, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है माइनस के साथ में 60 डिग्री रोटेशन देगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सर दोनों का जो रोटेशन है फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले का जो रोटेशन मिल रहा था पीपीएल को नीचे वाला उसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन देगा, तो दोनों का रोटेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताना, क्या इस कंपाउंड के साथ में बाहर से कोई कंपाउंड डाला है क्या रोटेशन को, जो इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट करने के लिए? नहीं सर, इसी कंपाउंड में इंटरनली ये प्रॉब्लम हो रही है, इसी कंपाउंड में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये तो इंटरनल प्रॉब्लम है। अरे बात समझ में, तो क्या बोले, मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसी मॉलिक्यूल में दो तरीके से पार्ट हैं जो एक दूसरे को रोटेशन कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। आगे हम एक और नाम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर, ध्यान देंगे समझ लें, जैसे अभी आर और एस यहां तो एक ही कंपाउंड में पाया जा रहा था, अब रेसिमिक मिक्सचर जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, अगर हमने एक कंपाउंड का आर ले लिया तो उसी कंपाउंड का दूसरे का हम एस लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों का मिक्सचर करेंगे तब जाके हमें वो ऑप्टिकल इनएक्टिव बनाएगा। अभी तो यहाँ पर सिंपल क्या बोल रहे हैं, एक ही कंपाउंड में एक वाला आधा पार्ट आर शो कर रहा है, दूसरा वाला एस हो रहा है, तो आधा वाले का रोटेशन जो है दूसरे वाला कैंसिल आउट कर दे रहा है, एक ही कंपाउंड में इंटरनल ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये चीज अभी शायद आपको 70-80% समझ में आ गई होगी। जब हम रेसिमिक
रेसिमिक मिक्सचर पढ़ेंगे ये पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएगा, बना लो इसे जल्दी से। तो क्या बोले सर, ये वाला आधा पार्ट है ना, उसे मान लो 60 डिग्री से रोटेशन दे रहा होगा, तो नीचे वाला पार्ट उसे -60 डिग्री से रोटेशन दे रहा होगा, इंटरनली ही कंपनसेशन हो जा रहा है, पीपीएल जो है सीधी पास हो जाएगी, रोटेशन नहीं मिलेगा पीपीएल में। तो पीपीएल में रोटेशन नहीं मिल रहा है पहली बात तो, इसलिए कंपाउंड को हम बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या ये काइरल है? ये काइरल नहीं है, अकाइरल मॉलिक्यूल है। बना लो इसे जल्दी से, हो जाएगा। अब तुम अगर इसका मिरर इमेज भी बनाओगे तो इसका मिरर इमेज भी क्या बोलेंगे, यही कंपाउंड रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। बना लो इसे जल्दी से, इसे बना लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आ जाता हूं, आगे ध्यान देना, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे। जैसे समझो अगर मैंने बात की, ऐसे देखना CH3 CL H, यहां पर भी CH3 CL और H, ऐसा है। अब मुझे बताओ क्या ये काइरल है? सर ये काइरल है। क्या ये काइरल है? ये भी काइरल है। एक से ज्यादा काइरल सेंटर्स दिख गए। अब इसमें बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? सर डेफिनेटली है। अगर मैं ये वाली लाइन खींचता हूं तो आगे वाली का जस्ट दो राइट में सीएल था, यहां पर भी राइट में है, उधर लेफ्ट में एच है, इधर भी लेफ्ट में है, ऊपर CH3 था, पीछे CH3 है, इस आधे का पार्ट पीछे दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास? POS। तो हमें समझ में आ गया सर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो कायरल सेंटर है, तो ये भी मिजो कंपाउंड हो जाएगा। लिख दो इसे भी, ये भी मिजो है, ये भी मिजो कंपाउंड है हमारे पास। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे लिख दो। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करता हूं तो समझना, इसे देखना। अगर मैंने ऐसे लिया, यहां पर देखना, अगर यहां पर CL, यहां पर CL, यहां पर H, यहां पर H, क्या बोलेंगे? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर इसमें ये जो है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है हमें, POS। अगर यहां बीच में से पास किया तो इसका मिरर इमेज ये वाला बना दे रहा है, POS है यहां पर, ये POS है, तो ये बोल देंगे ये भी मिजो है, ये भी मिजो कंपाउंड है। लिख दो जल्दी से। तो मिजो कंपाउंड के लिए हम क्या देखेंगे? एक से ज्यादा काइरल सेंटर होना चाहिए, तो ये काइरल सेंटर है यहां पर, ये काइरल है, ये भी काइरल है। समझ में आता है? काइरल कैसे देख रहा हूं मैं, यहां से इधर आगे गए तो CH2 मिला, इधर से आगे गए तो CH मिला, हम बोल देंगे यहां पर ये काइरल है। उल्टा इसकी बात करते हैं, यहां से गए इधर CH2 मिला, इधर से इधर गए तो CH मिला, ये भी काइरल है। दो काइरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो हम बोल देंगे वो मिजो कंपाउंड है। बना लो इसे, चाहे POS हो चाहे COS हो, दोनों में से कुछ भी हो, हम बोल देंगे वो मिजो कंपाउंड है। बना लो। मैं ऊपर वाला भी दोबारा बता देता हूं कि कुछ छूटा रह गया हो तो बना लेना। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात की मिजो कंपाउंड्स की, मिजो में हमने बात कर ली कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। वो आधा पार्ट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाहता है, आधा पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाहता है, दोनों एक दूसरे को सेम अमाउंट से रोटेशन देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, वो पीपीएल सीधी पास हो जाएगी, रोटेशन ही नहीं दे पाएगा पीपीएल को। पहले हमने पढ़ा मिजो कंपाउंड्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनेंशियोमर्स। लिखेंगे कुछ टर्म्स है, मिजो कंपाउंड्स, एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो हमने पहले मिजो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं इनेंशियोमर्स। लिखेंगे इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो इनेंशियोमर्स में पहली लाइन में लिखा दिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, वो ऑप्टिकल एक्टिव तो है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज नॉन एज इनेंशियोमर्स। और हमने जैसे पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि एक काइरल सेंटर है तो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, अगर एक काइरल सेंटर है तो वो हमेशा इनेंशियोमर शो करेगा। एक काइरल सेंटर है तो उसका हमेशा मिरर इमेज बनाओगे नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा, आर का बनेगा एस, तो आर और एस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? इनेंशियोमर्स बना रहे हैं। समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नॉन एज, ये इज हटा देना, आर लगा देना, आर नॉन एज इनेंशियोमर्स, आर नॉन एज इनेंशियोमर्स। देखते हैं इनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या
और भी जो सोल्युबिलिटी तुम जानते हो, और भी दो चार चीजें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, वो सारी की सारी इनेंशियमर्स की सेम होती है। डेंसिटी बोल दो, अरे बस समझे लिख दो, इनेंशियमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी, और भी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इनेंशियमर्स की सेम होती है। केवल डिफरेंट होता है तो क्या, पीपीएल का रोटेशन। अरे बात समझ में, पीपीएल का रोटेशन। तो लिख देना अगला स्टार, इनेंशियमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड्स पीपीएल, टुवार्ड्स पीपीएल। तो लिख देना, अगर इनेंशियमर्स में जैसे मैंने समझो जैसे मैंने बोला आर, इसका मिरर इमेज बना एस, ऐसा है आर और एस, मैं कॉन्फिगरेशन वाइज बात कर रहा हूं, आर का मिरर इमेज बन जा रहा है एस। तो जो ये आर और एस है ना, अगर आर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है 60 डिग्री से, तो ये जो एस है ये 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं, आर और एस अगर आपस में दोनों इनेंशियमर्स हैं, तो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो उसका जो मिरर इमेज है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। इसलिए बोल दिया इनेंशियमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड्स पीपीएल। अरे बात समझ में, ठीक, इसको तो अभी लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए था। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनेंशियमर्स के, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बात की, कुछ भी एक एग्जांपल मैंने मान लो, जैसे कुछ कायरल सेंटर ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे मैंने ले लिया। अब अगर मैं बात करता हूं इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा ये एफ, उधर बी आर, ऊपर सी एल, और नीचे बन जाएगा आई, ऐसे बनेगा मिरर इमेज इसका। अब ये मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर लेके आओ, क्या सुपर इम्पोजिबल हो पा रहा है क्या, देखो ये उठा के इसके ऊपर लेके देखो। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे देखने में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो अगर ऐसे देखने में समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना, आर और एस निकाल के देखो, आर और एस निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आर और एस निकाल के देख रहा हूं, समझना ध्यान से। तो नंबरिंग करो 1 2 3, ऐसे करेंगे, इधर भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4th, यहां पर भी 4th। इसका कॉन्फिगरेशन निकालो, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 1 2 3, तो ये जाएंगे अपन क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, इसमें देखो फोर्थ प्रायोरिटी अभी भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अब जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। समझ में आता है, अगर आर और एस निकालना है तो वापस ट्रिक उठा लो एच सी एस, हॉरिजॉन्टल है फोर्थ प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एस, यहां पर हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आर। समझ में आता है, अगर ये एस है तो मिरर इमेज बन गया आर। कब की बात कर रहे हैं, जब सिंगल कायरल सेंटर है, तो हमने बोल दिया ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका मिरर इमेज जो है वो इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये दोनों आपस में, ये जो आर और एस है ना, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर्स है, बना लो इनेंशियोमर्स है। समझ में आ रहा है, अगर एक एस है तो उसका मिरर इमेज बन जाएगा आर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैंने बोला इसका जो रोटेशन है प्लस 60 डिग्री है, ध्यान रखना, अगर इस कंपाउंड का रोटेशन पीपीएल को प्लस 60 डिग्री है, तो इसका जो रोटेशन आएगा वो माइनस 60 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो इनेंशियोमर्स होते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर अमाउंट में तो रोटेशन देंगे, लेकिन जस्ट अपोजिट, एक क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। जस्ट एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है ना, और आर और एस देख के अपन प्लस माइनस का बात नहीं कर पाएंगे, वो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। लिख दो जल्दी से। तो और एक चीज चाहो तो ये भी लिख देना कि एक कायरल सेंटर वाला जो कंपाउंड है, हमेशा अगर एक कायरल सेंटर दिया है ना, वो हमेशा क्या बनेगा, इनेंशियमर बनेगा। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या है, इनेंशियमर्स। चाहो तो लिख देना, वन कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर इज ऑलवेज इनेंशियमर। अरे बात समझ में, वो हमेशा इनेंशियमर्स ही बनाएगा, वो मीजो नहीं बना पाएगा। मीजो के लिए हमने क्या बोला था, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, देन हम पीपीएल की बात करेंगे, देन हम पीओएस और सीओएस की बात करेंगे। चलो आ जाओ इस पे, लिख दिया हमने ये इनेंशियमर्स, इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और उनकी पीपीएल रोटेशन जो है डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है एक दूसरे के। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख दिया सभी ने, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे डाइस्टीरियोमर्स। हेडिंग डालो डाइस्टीरियोमर्स, क्या बोल रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
आर नोन एज डाइस्टेरियोमर्स। तो पहली बात तो हमने ये लिखी दी थी कि एक कायरल सेंटर है वो तो हमेशा मिरर इमेज बनाएगा, मिरर इमेज बनाया वो तो एनेंशियोमर्स हो जाए, लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स आ जाए तब वहां पर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, वहां पर मिरर इमेज बन सकता है, मिरर इमेज नहीं भी बन सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल भी सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी मिल सकती। अरे बात समझ में, पीओएस और सीओएस मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। तब हमने एक और वर्ड जो है डिस्कवर किया, डायस्टीरियोमर्स, इसको भी समझेंगे। क्या बोल रहे हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स चाहे वो जीआई हो चाहे ओआई हो, जो एक दूसरे के नॉट मिरर इमेज, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उन सबको हम बोल देते हैं क्या, डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स कैन बी टू कन्फर्मर्स भी हो सकते हैं, दो जीआई भी हो सकते हैं, मतलब सिस और ट्रांस भी आपस में डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। कैसे, अभी एग्जांपल से समझा दूंगा। अगला पॉइंट क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान देना, अभी हमने जब बोल दिया कि टू जीआई, तो टू जीआई मतलब सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती ही है। लिख देना, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी। अरे बस समझ में, लिख दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा। अब डायस्टीरियोमर्स होते क्या है, ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली है, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो कैसे। अगर मैं बात करता हूं ऐसे, देखना, अगर मैंने ऐसे लिया CWH, अगर मैंने यहां ले लिया CL, यहां ले लिया H और H, ऐसे मैंने ले लिया, समझना ध्यान से। अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक CL तो रहने देता हूं इधर, और दूसरे CL को मैंने अपोजिट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये H CWH। अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने क्या किया ना, ऊपर वाले को तो फिक्स रखा कायरल सेंटर को, तो मैंने नीचे वाले को जो है वो अपोजिट कर दिया, बस कॉन्फिगरेशन नीचे वाले में चेंज कर दिया। अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहां मिरर लगाता हूं, क्या इसका मिरर इमेज ये दिख रहा है तुम्हें? सर नहीं, देखो सीएल का मिरर इमेज सीएल दिख गया, लेकिन इस सीएल का मिरर इमेज यहां सीएल होना चाहिए था। तो क्या बोले, सर ये मिरर इमेज तो नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है। आ रही बात समझ में? लेकिन और इन दोनों में बात करते हूं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्या एक से ज्यादा कायरल सेंटर है? वो तो है। तो ये जो दोनों कंपाउंड है एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे, डायस्टीरियोमर्स बताना तो बहुत इजी है। जो तुम्हें मिजो या जो तुम्हें एनेंशियोमर्स नहीं दिख रहे, वो क्या हो जाते हैं, ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर्स। हाँ, ये अकेला कंपाउंड जो है ये खुद में मिजो भी है, ये अकेला खुद में मिजो है, लेकिन मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों की रिलेशन क्या बोलेंगे, क्या एनेंशियोमर्स है? नहीं सर, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं ये डायस्टीरियोमर्स है। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहीं पर सिस और ट्रांस की बात करता, वो भी क्या हो जाते हैं एक दूसरे के, सिस और ट्रांस भी एक दूसरे के हो जाते हैं डायस्टीरियोमर्स। लिख दो इसे जल्दी से। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, ये लिख दो जल्दी से, सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड रिलेशन। अब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तीन कंपाउंड्स दे दिए, अब तुमसे बोला रिलेशन बताओ, तो क्वेश्चन लिख दो जल्दी से पहले, फिर मैं इसे ऊपर करूंगा। क्वेश्चन लिख दो वीडियो पोस्ट करके, अब मैं इसे ऊपर कर रहा हूं। तुम्हें बोल रहा है कि रिलेशन बताओ, ए एंड बी के बीच में, ऐसे बोला है, ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ, ए एंड सी के बीच में रिलेशन बताओ, बी एंड सी के बीच में रिलेशन बताओ, ऐसे बोल रहा है। चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इन तीनों में, अगर ए और बी की बात की जाए तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? क्या ये ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं सर, जो मिरर लगा के देखो, इस OH का मिरर इमेज यहां OH आना चाहिए था, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो हम बोल रहे हैं दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ए और बी जो आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स, मैं डाया लिख दे रहा हूं, डायस्टीरियोमर्स है। अगर बात करते हैं ए और सी, तो ए और सी में देखो, अगर मैंने ये मिरर हटा के यहां लगा दिया इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में लगाया, तो देखो OH का मिरर इमेज OH दिख गया,
इस OH का मिरर इमेज यहां पर OH आना चाहिए था, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये भी क्या हो गया? डाया हो गया, ये भी डायस्टेरेमर्स हो गया। अभी ध्यान दो, ये तो हटा दो। अब तुमसे बोल रहा है बी और सी के बीच में बताओ, बी और सी के बीच में बताओ, तो मुझे यहां पर मिरर इमेज लगाना पड़ेगा। ये मिरर लगा दो और देखो, अब बी और सी के बीच में देखो, क्या OH का मिरर इमेज दिख गया? दिख गया। क्या H का मिरर इमेज दिख गया? दिख गया। समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोल रहे हैं, इस पूरे कंपाउंड का मिरर इमेज ये कंपाउंड बना दे रहा है। देखो OH का मिरर इमेज यहां पर है, H का ये रहा, इस OH का मिरर इमेज ये रहा, उस H का मिरर इमेज ये रहा। क्या बोले, मिरर के, समझ में आता है मिरर इमेज कैसे बनाते हैं? जो मिरर के पास में है वो पास में इमेज बनेगी, जो दूर है वो दूर बनेगी, ऐसे बनता है। तो बी और सी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मैं लिख देता हूं यहां पर मिरर इमेज, और मिरर इमेज भी कैसे, जहां पर कोई भी सिमेट्री नहीं है, मतलब यहां पर प्लेन और सिमेट्री, सेंटर और सिमेट्रिसिटी नहीं है। मैं कैसे बोल दे रहा हूं, क्योंकि ध्यान दो, इस कंपाउंड को उठा के एज इट इज यहां रखो, क्या सुपर इम्पोसिबल हो पा रहा है क्या? ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर उठा के रखो, मिरर इमेज उस कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा। कैसे? देखो, मैंने अगर इसको उठा के यहां रखा तो ये OH तो आएगा राइट में, और ये वाला H आएगा इधर लेफ्ट में, तो यहां तो OH लेफ्ट में है। इधर वाला जो है उठा के रखूंगा तो ये वाला एज इट इज उठा के रखूंगा, ये OH तो यहां आएगा ना। समझ में आता है? क्या बोले, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। और ये जो दो ए बी और ए सी आपस में डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि वो मिरर इमेज नहीं था, तो बी और सी जो है वो हो जाएगा इनेंशियोमर्स। लिख दो इनेंशियोमर्स। अभी ध्यान देना, अब इनमें से कोई बोले कि बताओ ए बी और सी में से कोई कंपाउंड ऐसा बताओ जो मिजो है, ए बी और सी में से बताओ ऐसा कंपाउंड जो मिजो है, तो मुझे बता दो देख के, क्या ये मिजो है, क्या ये है, ये है, कैसे दिखें? सर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, वो तो तीनों में है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो डेफिनेटली यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या बोल रहे हैं, ए जो कंपाउंड है ना वो मिजो कंपाउंड है, ए बी डायस्टेरियोमर्स है, ए सी आपस में डायस्टेरियोमर्स है, बी और सी आपस में जो है वो इनेंशियोमर्स है। क्लियर ही चीज, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैं यहां लिख देता हूं, ए कंपाउंड जो है ए इज मिजो कंपाउंड, ये तो हमने मिरर इमेज बना बना के देख लिया, ये तो हमने मिरर इमेज बना बना के देख लिया। एक और चीज, अभी जो अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसमें मिरर इमेज बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहां अपन एक ट्रिक लगाएंगे। इसे लिख दो जल्दी से, इसे लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बी और सी आपस में इनेंशियोमर्स हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्वेश्चन देखो। अब आगे तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इन दोनों कंपाउंड में, ये दोनों कंपाउंड जो है इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है ए और बी के बीच में, इस और इसके कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो, अब यहां पर या तो तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम आर और एस कॉन्फिगरेशन निकालो फिर सॉल्व करो, लेकिन आर और एस निकालना तो यहां पर माथा फोड़ी है, हमें तो देखते आंसर देना है। तो एक ट्रिक लिखो पेज में, ट्रिक क्या लिखेंगे, लिखना कि इफ ऑल वेज कन्वर्ट्स इंटू डैश, लिखना इफ ऑल वेज कन्वर्ट्स इंटू डैश एंड ऑल डैश कन्वर्ट्स इंटू वेज, सारे के सारे वेज डैश में कन्वर्ट हो जाए और सारे के सारे डैश जो है वेज में कन्वर्ट हो जाए, तब वो बन जाएंगे इनेंशियोमर्स, तब वो बन जाएंगे इनेंशियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स। मैं देख के आंसर दे देता हूं, इनेंशियोमर्स। क्या बोल दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, कि सारे के सारे वेज डैश में बन जाए, सारे के सारे डैश वेज में आ जाए, तो हम बोल देंगे वो इनेंशियोमर्स है। समझ में आता है? तो वेज और डैश क्यों बोल दे रहा हूं, क्योंकि जैसे वेज वाला डैश में जाता है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन बिलो द प्लेन थी यहां पर, अब जैसे मैंने ये इसे बिलो द प्लेन किया तो हाइड्रोजन जो है अबाउ द प्लेन आ जाएगा। समझ में आता है? तो इन दोनों में जैसे चेंज हो, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं दोनों जगह पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है ना, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं। समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप तो ट्रिक क्या लिखो कि सारे वेज डैश में हो जाए, सारे डैश वेज में हो जाए, तो वह इनेंशियोमर्स बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो वेज है वो वेज बना रहे हैं, देखो समझो, सारे के सारे वेज वेज में, सारे के सारे वेज डैश में कन्वर्ट हो पा रहे हैं इन दोनों में? नहीं सर, ये वाला वेज तो फिक्स है, ये वाला डैश जो है वेज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब
कुछ तो वेज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, कुछ तो चेंज हो पा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो पा रहे, तो वो आपस में होते हैं डाइस्टीरियोमर्स, वो आपस में होते हैं डाइस्टीरियोमर्स, लिख दो जल्दी से। क्या बोल रहे हैं, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो कि ट्रिक है हमारी कि सारे वेज डैश में कन्वर्ट हो जाए, सारे डैश वेज में कन्वर्ट हो जाए तो वो एनेंशियोमर्स, कुछ अब सारे कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, कुछ ही कन्वर्ट हो पा रहे, पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है, तो वो हम डायरेक्टली बिना देखे लिख देंगे, क्या बोल देंगे, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। ऐसा मैं क्यों बोल दे रहा हूं, तो ऐसा मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि ध्यान दो, इसका मिरर इमेज है ना ये वाला बन पाएगा, लेकिन क्या इसका मिरर इमेज ये बना पाएगा, नहीं सर, ये वाला तो फिक्स हो गया, ये वाला हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्फिगरेशन चेंज किया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कॉन्फिगरेशन चेंज किया है, दूसरा फिक्स रखा है, तो उस केस में वो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स ही बनेंगे, और दोनों पॉइंट्स पे कॉन्फिगरेशन चेंज कर दिया तो देखो, यहां अगर आर होता तो मिरर इमेज क्या बनाता, एस, वो बनेगा डेफिनेटली, एस होता तो आर बन जाता, यहां पर अगर मैं बोलता आर है, मतलब कुछ भी बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया आर ही है, चलो यहां पर भी आ रही है, तो उसका मिरर इमेज क्या बन जाता है, एस बन जाता, यही होता ना, क्योंकि देखो हमने जैसे वेज देश को वेज में कन्वर्ट किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और मिरर इमेज भी बनता है जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो आपको ज्यादा डीप में परेशान होना ही नहीं है, आपको ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है, सार मतलब वेज देश में, देश वेज में पूरे के पूरे, तो एनेंशियोमर्स, अगर पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है तो वह हम बोल देंगे डाइस्टीरियोमर्स, ये इतना ट्रिक समझ में आएगा, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो लग भी नहीं पाएगा, ये इतने हल्के क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े अच्छे लेवल पे ये आते हैं, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिस और ट्रांस, बताओ जल्दी से, सिस और ट्रांस आपस में मीजो होते हैं, नहीं सर, मीजो के लिए तो क्या होना चाहिए, क्राइरल सेंटर होना चाहिए, यहाँ तो क्राइरल सेंटर वाली कोई बात नहीं है, सिस और ट्रांस आपस में होते हैं डाइस्टीरियोमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, डाइस्टीरियोमर्स लिख दो जल्दी से, सिस और ट्रांस आपस में डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, मैंने पहले बता दिया। अब ऐसे तुम्हें दे दे, मान लो ये दो कंपाउंड दे दे, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करें ना, तो कुछ नहीं करना है, एक कायरल सेंटर है, सबसे पहली बात तो देखो एक कायरल सेंटर है, तो ये एक कायरल सेंटर दिया हुआ, तो ये डाइस्टीरियोमर्स तो नहीं होंगे, मीजो भी नहीं होंगे, क्योंकि मीजो और डाइस्टीरियोमर्स होने के लिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर तो चाहिए, एक कायरल सेंटर तो डेफिनेटली या तो ये एनेंशियोमर्स होंगे या फिर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, तो हमें पता लगाना है कि आइडेंटिकल है या ये आइडेंटिकल है या फिर एनेंशियोमर्स हैं, तो देखो हमें यहां पर निकालना पड़ेगा आर एस कॉन्फिगरेशन, बिना उसके तो हम बता पाएंगे क्या कि दोनों डिफरेंट कंपाउंड है या सेम कंपाउंड है, नहीं बता पाएंगे, अरे बात समझ में, अगर हमें दो ऐसे कंपाउंड दे दे वेज डैश के रूप में, फिर पूछे बताओ रिलेशन, बताओ क्या ये एनेंशियोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स है, मीजो या आइडेंटिकल है, तो मीजो और डाइस्टीरियोमर्स तो नहीं होंगे एक कायरल सेंटर, इसलिए या तो ये एनेंशियोमर्स होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, तो देखो कैसे पहचानते हैं, नंबरिंग करो, सबसे पहले नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 ऐसा ही है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 देख के हमें समझ में आ गया, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है वेज डैश में, जाओ 1 2 3 पे जाओ, 1 2 3 4 इग्नोर मारो सर, 1 2 3 पे गए हम, क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले में नंबरिंग करेंगे, इस वाले में नंबरिंग करो सबसे पहले, तो 1 2 3 4 सर वेज वाला ये जो है ना फ्लोरीन, अब कहां पर आ गया, वेज में आ गया, तो ध्यान से समझना, कुछ नहीं, वेज वाले को उठा के लेके आओ, कहां पर, डैश में लेके आओ, समझ में आता है ये, डैश में लेके आओ, इसको मैं फ्लोरीन को डैश में लेके आ रहा हूं, इवन रोटेशन करके, इवन चेंजेस करके, तो समझना, मैं इसको यहां पर ही लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये फ्लोरीन मैंने लिख दिया, फ्लोरीन यहां पर, और मैंने क्या किया ना, एक बार इन दोनों का इंटरचेंज किया, फिर उन दोनों का इंटरचेंज किया, तो आयोडीन तो आ जाएगा ऊपर, सीएल आ जाएगा यहां, और बीआर रह जाएगा यहां पर, समझो, दोबारा से मैंने क्या किया, फ्लोरीन और आयोडीन में इंटरचेंज किया, तो यहां पर तो फ्लोरीन आ गया, लिख दिया, यहां आयोडीन आएगा, फिर आयोडीन और क्लोरीन में इंटरचेंज किया, तो आयोडीन ऊपर आ गया, सीएल यहां आ गया, ऐसे ही बनेगा, हमने देखो एक बार इन दोनों में इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज हो गया, फिर उन दोनों में इंटरचेंज किया आयोडीन और क्लोरीन में, तो यहां पर दूसरा इंटरचेंज हो गया, मतलब इसको मैंने इसमें इवन इंटरचेंज में बनाया, मैं लिख देता हूं इवन इंटरचेंज करने पर हम बोल देंगे कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, नंबरिंग लिखो अब जल्दी से, नंबरिंग करो और आर आर एस निकालो जल्दी से, हम बोलेंगे सर आयोडीन 1 ब्रोमीन 2
क्लोरीन 3, फ्लोरीन 4, ऐसे ही है, और बिलो द प्लेन आ गया वो, तो अब घुमा दो, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एस, वो आर था, और ये वाला कंपाउंड जो है एस है, और आर और एस एक दूसरे के क्या होते हैं बता दो, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स लिख दो जल्दी से, आर और एस एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। ये अगर ये आर था और ये भी आर आ जाता तो मैं बोल रहा हूं तो दोनों एक ही कंपाउंड है, आइडेंटिकल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आते हैं और इंपोर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो हमने देखा आज जो हमने पहले आज जो हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सर मिजो कंपाउंड्स, एक से अधिक कायरल सेंटर हो, पीओ सीओ हो तो मिजो हो जाएगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। फिर हमने बात की एनेंशियोमर्स की, एनेंशियोमर्स हमने बोला वो ऑप्टिकल एक्टिव है, पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिव रहेंगे हमेशा। फिर हमने बात की उसका जो मिरर इमेज है ना वो नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन पीपीएल लाइट का रोटेशन जो है वो डिफरेंट होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा तो उसी कंपाउंड से जो दूसरा एनेंशियोमर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है सेम अमाउंट से, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने बात की डायस्टेरियोमर्स, हमने बोला एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स होंगे, वो एक से ज्यादा भी के छोड़ो, हमने बोला है कि स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है वो सारे के सारे क्या हो गए, डायस्टेरियोमर्स, वो सिस ट्रांस भी हो सकते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में, अभी ध्यान देना, कोई तुमसे बोले क्या डायस्टेरियोमर्स जो है ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ही सर या ऑप्टिकल इनएक्टिव ही होंगे, तो कुछ भी फिक्स नहीं, वो ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या सिस और ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर पाएंगे, नहीं सर ये तो जी आई है, लेकिन हमने बात की ना ये क्या है डायस्टेरियोमर्स है, तो डायस्टेरियोमर्स में भी ऑप्टिकल एक्टिव में भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर हमने देख लिया आर और एस निकाल के हमने देख लिया कि अगर आर आर आ जाता तो आइडेंटिकल हो जाता, आर का मिरर इमेज एस आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो जाएंगे, और एक कायरल सेंटर वाला जो है, एक कायरल सेंटर वाला दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर वो एनेंशियोमर्स होंगे, समझ में आता है, ये लिख दो जल्दी से, और लास्ट में हेडिंग और लिख दो रिलेशन बाई आर एंड एस, आर और एस देख के कैसे आप रिलेशन डायरेक्टली भी बता सकते हो, आर और एस देख के कैसे हम डायरेक्टली रिलेशनशिप बता पाएंगे, समझना, एक कंपाउंड आर आया दूसरा कंपाउंड भी आर आ गया तो हम बोल देंगे वो क्या है आइडेंटिकल, एक का ऐसे दूसरे का भी ऐसे तो दोनों केस में क्या बोल देंगे आइडेंटिकल, दोनों ही केस में वो हम बोल देंगे आइडेंटिकल, समझ में आता है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, चार पांच, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, अगर एक कंपाउंड आर है दूसरा भी आर है तो दोनों आइडेंटिकल है, एक ऐसे दूसरा भी ऐसे तो वो आइडेंटिकल है, लेकिन एक आर है दूसरा एस है तो हम बोल देंगे वो हो जाएंगे एनेंशियोमर्स, समझ में आता है ये एनेंशियोमर्स। अगर एक कंपाउंड आर है उसी कंपाउंड में दूसरा जो दिया हुआ है वो एस है, बाकी तो देखना ना सारे एटम्स जो है चार ग्रुप सेम होने चाहिए। बात करते हैं अगर एक साथ कायरल सेंटर है, तब अगर आर आर है और देखो सारे के सारे ऐसे हो जाए, देखो समझो जैसे हमने बात की सारे वेज डैश में कन्वर्ट हो जाए, सारे डैश वेज में कन्वर्ट हो जाए तो वहां क्या होता है, अगर आर आर होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, समझ में आता है, तो ये बन जाएंगे एनेंशियोमर्स, ये भी एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ये शायद समझ में नहीं आया होगा बच्चों को तो मैं दोबारा बोलता हूं, हमने ट्रिक लिखी थी कि सारे वेज डैश में या सारे डैश वेज में कन्वर्ट हो जाए तो वो एनेंशियोमर्स होते हैं, तो अगर सारे आर आर सारे एस एस में कन्वर्ट हो जाए या सारे एस एस आर आर में कन्वर्ट हो जाए तो भी वो एनेंशियोमर्स होंगे, समझ में आता है। आगे बात करते हैं अगर आर आर है और पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है, मतलब आर आर था वो आर एस हो गया, मतलब आर तो फिक्स रहा एक जगह तो वेज का वेज रहा, दूसरे वेज वाला जो है डैश में कन्वर्ट हो गया, जैसा हमने एक एग्जाम्पल देखा था शायद आपको याद आ गया हो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, अगर एक वेज का वेज बना रहा लेकिन डैश वाला वेज में कन्वर्ट हो गया तो यहां पर कॉन्फिगरेशन अगर इसका आर था तो ये भी आर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां तो कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं हुआ, यहां वाले पे क्या बोलेंगे अगर ये मान लो आर भी होता तो जैसे कॉन्फिगरेशन यहां पर डैश में डैश से वेज में आया तो डेफिनेटली यहां कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ होगा, समझ में आता है। तो क्या बोलेंगे आर का आर रहा लेकिन आर का एस हो गया तो ये बन जाएंगे डायस्टेरियोमर्स। अगर यहां पर मैं बात करता हूं ये आर था ये भी आर था इन द केस जैसे मैंने यहां पर लिया तो ये डेफिनेटली एस और ये एस होंगे, तो आर आर एस एस क्या बनेंगे इनेंशियोमर्स बनेंगे।
और एक जगह फिक्स है लेकिन दूसरे जगह पर वेरी हो रहा है, तो हम बोल देंगे वो डायस्टेरियोमर्स बनेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है आपको कि अगर आर आर से एस एस हो रहा है तो एनेंशियोमर्स, आर आर से आर एस हो जा रहा है तो डायस्टेरियोमर्स। बना लो, समझ में आता है। और मिजो देखने के लिए तो कुछ नहीं करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, दो कैरल सेंटर देखना, आंसर आ जाएगा। बना लो इसे जल्दी से, इसे बना लो, हो जाएगा ये। तो आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो पार्ट आज हमने पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमर्स में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मिजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन के इंटरनल, सर इंटरनल। इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा, इनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। डायस्टेरियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है सिस और ट्रांस तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। हो जाएगा। तो आज के लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।